हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। तो दोस्तों, इसमें सारी शॉर्ट्स ऑडियोज हैं, सारी की सारी शॉर्ट्स हैं इसमें। कोई 2 मिनट की, कोई 2.5 मिनट की, कोई 3 मिनट की। तो बेसिकली ये ऑडियो डालने का मेरा मोटिव ये है, शॉर्ट्स ऑडियो 2-3-4-5 मिनट की। कुछ कुछ ऐसे बातें होती हैं जो हम लंबी वीडियो में तो मतलब लंबी ऑडियो में तो करते ही हैं, लेकिन कुछ कुछ शॉर्ट्स में होती हैं। जैसे कि हमने ऐसा रिप्लाई दिया एजेंट को कि उसने 2.5 मिनट के अंदर कॉल काट दिया, 3 मिनट के अंदर उसको पता चल गया कि ये बंदा भाई पैसे नहीं देने वाला। तो इसमें कुछ ऐसी ऑडियोज़ हैं इस वीडियो के अंदर जिसमें हमने उसको रिप्लाई दिया, उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। कुछ कुछ मज़ेदार ऑडियोज़ भी हैं, मतलब दोनों टाइप की ऑडियो हैं इसमें। हाँ जी, हाँ सर, रितेश जी से बात करनी है। हाँ रितेश कुरकुरा बोल रहा हूँ, कुकरेजा नहीं है अभी, कुरकुरा हूँ मैं। कुरकुरा नहीं, कुरकुरा जी से बात करनी है। मैं कुरकुरा बोल रहा हूँ ना, रितेश कुरकुरा, कुकरेजा से बात करनी है तो आधे घंटे बाद। मैं रितेश कुरकुरा हूँ ना, रितेश कुकरेजा बोल रहा हूँ आधे घंटे बाद। ओके वेरी गुड। आप कौन? पीटी बात कर रहे हो, जिप्सी बैंक से। आप कौन बात कर रहे हो? उनके भाई है, फ्रेंड है, कौन है आप उनके? बात तो रितेश कुरकुरा ही कर रहा हूँ, लेकिन जो है ना कुकरेजा जी बात कर रहे होंगे ना सर। नहीं, आज ना मैंने अपना निकनेम चेंज कर रितेश कुरकुरा रख लिया मैंने। सर ये कैसी बात हुई सर, नाम तो सेम ही रहेगा ना आपका, नाम कौन चेंज हो जाएगा आपको? नहीं, रितेश कुरकुरा रख लिया ना सर। माफी चाहूंगी, चीज समझ नहीं पा रही हूँ, आपका नाम तो वही रहेगा, नाम चेंज कितना हो जाएगा आपका सर? मैडम रितेश कुरकुरा नाम रख लिया मैंने अब अपना। सर कब रखा आपने अपना नाम? आज ही रखा है। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? जैसी आप सुन रही हो। हाँ जी, जैसी आप सुन रही हो। सर आपको बात नहीं करनी तो बता दीजिए, बात नहीं करनी है ना, अभी कैसी बातें कर रहे हैं? कर तो रहा हूँ आपसे बात, और कैसे बात करूँ, कैसी बातें कर रही हूँ। नाम कंफर्म कर रही हूँ, आप मुझे सॉरी बता रहे हो। बताता हूँ, रितेश कुरकुरा, रितेश कुरकुरा। सर मुझे बात नहीं करनी ना, मिस्टर रितेश कुकरेजा जी से बात करनी है, आप वो बात कर रहे हैं सर? एक मिनट रुको, रितेश कुरकुरा भी कुकरेजा भी जगेगा, ठीक है बताइए रितेश कुकरेजा। कैसी बात हुई सर, अपने आप से अपना नाम कैसे चेंज हो जाता है सर? मैडम मैं कर लेता हूँ ना, मैं सब कुछ कर लेता हूँ, बताइए रितेश कुकरेजा। बात नहीं करनी तो आप कर तो रहा हूँ, और कैसे करूँ बात। सर आप गलत बात कर रहे हैं ना सर। मैडम गलत बात तो तब होती जब मैं कहता ओ मैडम सो सेक्सी या कुछ ऐसा शब्द बोलता जो उल्टे सीधे थे। तो माफी चाहूंगी, मैं आपसे बात नहीं कर सकती, थैंक यू। हेलो, यस, गुड आफ्टरनून सर। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, बताइए। अंजलि बात कर रही हूँ HDFC बैंक के ब्याज से। अंजलि जी, HDFC बैंक के ब्याज से किसको कॉल लगाया है पहले वो मैन है, वो बताइए। दोबारा बताइएगा सर। मैं कह रहा हूँ पहले किस कस्टमर को कॉल लगाया उसका नाम मैंने, पहले नाम कन्फर्म कीजिए फिर अपना इंट्रोडक्शन देना। बिल्कुल सर, मैं आपको आपका नाम बता देती हूँ जी, बताइए। थोड़ा प्यार से लेना, ठीक है? हेलो, अच्छा ऋषि पाल जी, ठीक है मैडम। तो मिस अंजलि आप HDFC बैंक के बिहाफ से बात कर रही हो, कस्टमर ऋषि पाल जी, बताइए। मैंने आपको लोन के रिगार्डिंग कॉल की है, आपके एक्सपर्ट से। लोन नहीं चाहिए मैडम। अच्छा लोन देने के लिए कॉल किया है सही में आपने? बिल्कुल। ओ शिट, मैं समझा आपने लोन लेने के लिए कॉल किया। आजकल डिफॉल्ट कर दिया है ना मैंने, तो मुझे कॉल बहुत आते हैं इसलिए मैं ऐसे बात करता हूँ जैसे आपसे बात करी। मैडम आपको बुरा तो नहीं लगा? बिल्कुल नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो मैडम मैं आपसे ये कह रहा हूँ, क्या कहते हैं, मैं जो है ना लोन तो ले लूंगा लेकिन मैं डिफॉल्ट कर दूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक काम हो रहा, आप अपना कर रहे हो, आप एक बार सिविल और चेक कर लो, सिविल पे मिल जाएगा ना, देख के बता दूंगा। सिविल में आपका चेक करो, इस पे देख के बता दो, सिविल पे आप दिलवा दोगे नहीं दिलवाओगे? आपने किस चीज में डिफॉल्ट किया मैं जान सकती हूँ? मैंने बैंक NBFC सबका डिफॉल्ट कर रहा, क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन वगैरह। सिविल चेक करने की क्या जरूरत है? नहीं एक बार चेक कर लो ना, आप दे दोगे नहीं लोन? ओके सर, धन्यवाद आपका। पक्का आप ऐसा कर रहे हो बिना सिविल चेक करे? आप एक बार सिविल तो चेक कर लो मिस।
हाँ सर बिल्कुल, मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं जरूर आपको सीवी चेक करूंगी। मतलब आप तो मेरे जवाब मुझे चुपका रही हो, बहुत अच्छा लगा आपके जवाब सुन के कि कलेक्शन में भी कोई बंदा या कोई ऐसा पर्सन है जो अच्छे अच्छे जवाब चुपका था कस्टमर ने मुझे। हमें जैसा क्लाइंट मिलता है हमें रोजी डील करनी पड़ती है। हाँ नहीं मजा आ गया मुझे आपका जवाब सुन के, टाइम मिलेगा तो आप बहुत ही व्यस्त हो मैं समझता हूँ। वैसे तो खैर अभी तो आप नहीं कार्ड बांट रही हो, बाकी तुम जब कस्टमर का खून पीते हो ना आप लोग कलेक्शन के लिए तो अभी बहुत ही व्यस्त होते हो, क्या करें खून चूसना है कस्टमर का, अभी टाइम कहाँ है। ठीक है जब टाइम सही निकले, आप सकते हैं जब टाइम आपकी निकले ना तो आप क्या कहते हैं बात। देख लेना, ठीक है मेरा सिविल। बिल्कुल सर, ओके मैं, हैव अ गुड डे। ओके। हेलो, हेलो मैं लिंक नमस्कार, हाउ इज स्लीप से बात कर रही हूँ सर। आपका लोन अमाउंट ड्यू चल रहा है, आपने पेमेंट अपडेट नहीं कराई, क्या इश्यू है सर? बताइए। सबसे पहले कस्टमर का नाम कंफर्म करते हैं, फिर बता दें कि मैं इसके बिहाफ से बोल रही हूँ, पहले ये सीख लो फिर बात करना मुझसे, ठीक है। राम जोगी सर, जोगिंदर राम की बात कर रहे हैं सर। हाँ लग रहा है, नहीं नहीं यो मैडम। हाँ जी सर, अच्छा तो कोई नहीं, मैं समझा पुरानी है इसलिए मैंने सुना दिया, कोई बुरा मत मानना, ठीक है। हाँ सर कोई बात नहीं सर, माफी चाहती हूँ। हाँ तो क्या कहते हैं किसके भी आपसे बोल रहे हैं आप? सर मैं ट्रू बैलेंस से बात कर रही हूँ, आपका ये लोन अमाउंट ड्यू चल रहा है सर ट्रू बैलेंस का। मैडम ट्रू बैलेंस का आरटीपी डाल दो, ट्रू बैलेंस का आरटीपी डाल दो। सर ट्रू बैलेंस में आरटीपी क्या होता है सर? अच्छा नहीं नहीं हो तो नहीं पता होगा ना, रिफ्यूज टू पे होता है, बाकी रेडी टू पे डाल दो, रेडी टू पे आफ्टर 2 इयर्स। हेलो हेलो जोगिंदर राम जी, नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका भाई? राजेश। राजेश बात है सर। हाँ क्या, मैं कह रहा मैडम को ट्रेनिंग नहीं दी क्या ढंग से? मैडम जी, को ढंग से ट्रेनिंग नहीं दी क्या? ट्रेनिंग मैडम को नहीं दी क्या ढंग से? ट्रेनिंग ट्रेनिंग आप तो सर ट्रेनिंग तो आपने पेमेंट आपको करनी है तो आपको मैं लोन भरना नहीं सीखा सर, आप हमारी ट्रेनिंग को जा रहे हो। तो दोस्तों इससे बस मैंने इतना कहा था कि क्या हुआ आपने मैडम को ट्रेनिंग नहीं दी, क्योंकि मैडम नई नहीं थी। अब नए नए आप नए नए एजेंट को दोगे काम और सामने वाला कस्टमर नॉलेजेबल है, वो कुछ सवाल पूछ रहा है या बता रहा है, तो मैडम जवाब नहीं दे पा रही थी। तो बस इतना कहा था अगर कोई समझदार पर्सन होता तो वो कहता हाँ जी सर मैडम नई नहीं है, अभी ट्रेनिंग मिलेगी नहीं। तो इसने उल्टा जवाब दिया कि सर आप हमारी ट्रेनिंग पे कहाँ जा रहे हो, अब अपने पेमेंट भरना नहीं सीखा। तो फिर दोस्तों मेरा भी थोड़ा सा दिमाग गर्म हो गया इसके जवाब सुन के, क्योंकि भाई मैं कोई बदतमीजी या गाली गलौज तो कर नहीं रहा था, बस इतना कहा था कि मैडम को ट्रेनिंग दी, तो फिर इसको बहुत शानदार जवाब दे दिया दोस्तों मैंने मुंह तोड़। ये जो है ना इसको कहते हैं उल्टा जवाब देना, एक तो तुम यहाँ पे जो बंदे बिठा रहे हो उनको ट्रेनिंग नहीं देते, ऊपर से मुझे जवाब दे रहे हो। अभी मैंने यहाँ से जवाब दे दिया ना तो वहां से जो है ना क्या बोलूँ अपनी तरफ से, पहले इनको ट्रेनिंग दो मैडम को, और ज्यादा जो है ना क्या कहते हैं चूतियापा करने की जरूरत नहीं है। कहाँ से सीखी आपने ये वाली ट्रेनिंग, कहाँ मिली आपको कहाँ जानकारी? ट्रेनिंग, अभी तो कुछ बोला ही नहीं है, अभी तो बोलने के लिए इतना कुछ है, मैं अगर यहाँ से चालू हो गया तो आपके कान दर्द कर देंगे। ये तो वर्ड आपने, अच्छा कार आप जो बात कह रहे हैं मतलब ये नहीं, आपने सही में चालू चूतिया हो तुम, सही में चूतिया हो, तुमसे सामने वाले तुम्हें तुम्हारे क्या कहते हैं कलीग की प्रॉब्लम बताई जा रही है कि वो अभी ट्रेंड नहीं है, उसको ट्रेंड करो, तो उल्टा मुझे जवाब दे रहा है कैंडी, रुक जा एक मिनट होल्ड कर। हेलो ताई जुगाड़ खोल, हाँ हेलो जुगाड़ खोल दे, हेलो आप बता क्या कह रहा था तू ताई है? ये जिस तरह से आप बात कर रहे हैं ये कहाँ से सीखा है आपने? भाई मैं तो ऐसी बात करता हूँ, जब प्यार से नहीं समझता ना बंदा दूसरे तरीके से बताना पड़ता है उसको, घर परिवार में भी ऐसी बात करते हैं? घर पे भी चूतिया बताता हूँ सबको, अब क्या करना है तुझे बस। बस मैं यही जानना चाह रहा था, आपका फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा जानने में इंटरेस्ट हुआ मेरे को। हाँ मैं तो घर पे सबसे ऐसी कहता हूँ यार, क्योंकि मैं तुझे जब प्यार से बता रहा हूँ कि मैडम अनट्रेंड है, नहीं मैं तुझे जैसे कस्टमर सामने से, नहीं कस्टमर सामने से प्यार से बता रहा है कि भाई मैडम अनट्रेंड है उनको ट्रेंड करो, तो तू मेरे को ये जवाब दे रहा है, नहीं रिटर्न में तू मुझे क्या जवाब दे रहा है कि आपको उससे क्या लेने देना, आपको पेमेंट करने नहीं सिखाया, थोड़ा सा दिमाग से पैदा ले गया, तुझे ये नहीं पता क्या जवाब देना है कस्टमर को, ये जवाब देना कोई नहीं सर वो ट्रेंड हो जाएंगी, आपने सर पेमेंट कर दो आप। आपको कुछ नहीं सिखाया गया, आपने बता दिया आप कैसे परिवार से हो, फिर खुद आप वो भी हो। अरे बेटा अभी यहाँ से मैंने शुरू नहीं करा, यहाँ से अभी मैंने कुछ शुरू नहीं करा, अभी जवाब ये देना था कि कोई नहीं सर मैडम ट्रेंड हो जाएंगी, नहीं मैडम ट्रेंड हो जाएंगी आप सर पेमेंट का बता दो, ये होना था जवाब। ट्रेनिंग
ठीक है। अरे ट्रेनिंग तो मैं तेरे बच्चों को, तेरी मैडम को, तेरी बीबी को, सबको दे दूंगा। आप बता दिया कि अपने घर वालों को दे दो जाओ। हाय उसकी अदाए, हेलो माने मुझे। हेलो, हाँ मैडम बोलो। हेलो अश्विनी जी बात कर रहे हैं? जी जी सर, मैं IDFC बैंक से बात कर रही हूँ। आपके क्रेडिट कार्ड की पेमेंट आपने ये अभी तक की नहीं थी। अच्छा ऐसी बात है? हेलो मैं कह रहा हूँ ऐसी बात है क्या? हाँ जी सर। मैडम आप कर दो मेरी तरफ से। हेलो मैं कह रहा हूँ मैडम आप कर दो मेरी तरफ से। सर जब नहीं आया था मैंने तो लिया नहीं था ना। क्या बोल रही हो? मैंने जब पैसे लिए थे तो मैंने तो ये लिए थे कि मैं आपकी तरफ से कर दूँ पेमेंट। क्या करूँ अभी मेरे ऊपर ना गरीबी का छत्र छाया आ गई है, गरीबी की छत्र छाया, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। मैडम मैं आपसे भी प्रोफेशनल होकर ही बात। हेलो हाँ जी। हाँ जी बताओ क्या सर? आपका कार्ड चल रहा है, 3 महीने से पेमेंट नहीं आई, इसमें क्या इशू है? जब क्या कहते हैं जैसे मैडम बात कर रही थी ना अभी, और आपके पास कोई गधे इतना तो आपको सिखाया हुआ, इतने बड़े तो गधे हो नहीं, सीनियर ने बताया हुआ। जब कोई नया बंदा मैं जैसे कस्टमर से बात करता है तो उसको ना एक इंट्रोडक्शन देते हैं, सर मेरा नाम फला है, मैं ये बोल रहा हूँ ऐसे करके, तो वो तो दिया नहीं, सीधे डायरेक्ट पेमेंट पे आ गए। क्या आया कैसे करोगे कलेक्शन जब बेसिक ही नहीं पता, तो एडवांस क्या सीखोगे तुम लोग? अरे सर ये चीज आप मत सिखाओ हमें। एस्केलेशन डालने का काम आता है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ नाम। जब बेसिक ही नहीं पता तो एडवांस क्या खास सीखोगे? बताओ जल्दी नाम। क्या एस्केलेशन डालोगे आप? नहीं क्या एस्केलेशन डालोगे? अभी तो नहीं डालूंगा, जब बदतमीजी करोगे तब पड़ेगी यार। पेमेंट करनी नहीं है सर, बस एक्सलेशन डालोगे, बस यही काम डाल के क्या हो जाएगा? यही काम रहता है मेरा। नाम तो बता दो अपना एकदम प्यारा सा नाम। डालो आप एक्सलेशन डालो। अरे छमिया नाम तो बता दे, अभी तो डालूंगा कुछ। छमी से बोल रहे ठीक है पहले। छमिया छमिया बताऊंगा मैं तुझे। छमिया नाम तो बता दे, तू तो नाराज नाराज हो रही है। चूतिया तो ऐसा बोल रहा है जैसे क्या कहते हैं सिस्टर छेड़ दियो तेरी। ऐसा नहीं बोलते यार, ऐसे नहीं बोलते। क्यों तेरी बहन नहीं है? तेरी बहन नहीं है? नहीं है यार, आई नहीं। नहीं है? नहीं है यार। चलो बैंक का पैसा खा के तो बैठा हुआ है, क्या करें बता। मेरे जो है पेट बहुत बड़ा है, मैं तो तेरा भी खा जाऊंगा, दे दे तू। अरे अपना खा ले पहले। अरे खा ले अपना, खा ले हमारा तो क्या खाएगा, अपना खा ले, अपने घर वालों का खा ले, सब खा ले यार। मैंने रिश्तेदारी में भी डिफॉल्ट कर रखा है। हाँ तो चोर बन के ऐसी तो होगा, और क्या हो सकता है? बताइए बता अब क्या करूँ यार, तू जो दे दे यार तेरे पास हो तो सही। तेरे देने की नियत तो है नहीं? नियत तो वैसे भी नहीं है, देख तू नियत तो ये समझ ले कैसे भी नहीं है। ओ भाई तूने जब पैसे नहीं देने तो क्यों फालतू बकवास कर रहा है? तो कार्ड देना भला हो जाएगा। कार्ड देना अपनी तरफ से भाई। जो बैंक का पैसा खा के कौन सा चादर चौधरी बन रहा है? और बात तो तेरी 10,000 की नहीं, और बात तेरी 10,000 की नहीं है। मैंने तो खाली तेरे घर पे आते हैं, तेरे घर पे आते, तेरी बीवी बोलती है ये हो गया वो हो गया। हमारे पास पैसे नहीं है, बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। बीवी ने ये तो नहीं बोल दिया खड़ा हो गया मेरा, ये तो नहीं बताया बीवी ने? अरे भाई पहले तमीज से बात कर ले ठीक है, तेरी और बात नहीं है पैसे देने की। तमीज से बात कर ठीक है, तुझे एक्सलेशन डालनी है ना डाल दे अभी। तमीज से बात मैं और आ भी जाना, और आ भी जाना फिर, ऐसा नहीं है कि एक्सलेशन डाल के फिर वो हो जाएगा ठीक है। आ भी जाना, वो मैं तेरे को मिलता हूँ, मैं तेरे को तेरे घर पे मिलता हूँ। बहुत अभी आ जा चूतिया का पत्ता साला। अरे यार ऐसा बोलेगा तू पापा से? अरे हेलो जी गुड इवनिंग सर, अनस बात कर रहा हूँ प्रिंसिपल मैनेजर की ओर से। हाँ बताओ कैसे फोन किया? आप कॉल रिकॉर्डिंग क्या जरा ट्रेनिंग एंड क्वालिटी पर्पस के लिए सर। राकेश जी से बात हो रही है? राकेश झुंझुन वाला बोल रहा हूँ। बताओ राकेश रघुनाथ जी से बात करना है सर, झुंझुन वाला जी से नहीं, राकेश जी। मैं तो भाई झुंझुन वाले ही बोल रहा हूँ, बात करनी है करो नहीं करना। अच्छा आप उनके भाई बात कर रहे हो? नहीं भाई बात नहीं कर रहा, मैं राकेश रघुनाथ है ना, अभी नाम कर लिया झुंझुन वाला कर लिया। अच्छा 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 सर, सर जी आपका देखिए कॉल रिकॉर्डिंग क्या है ट्रेनिंग इन क्वालिटी पर्पस के लिए सर। आपने जो पर्सनल लोन फाइनेंस किया था आपका EMI अमाउंट है 4,722 रुपया, 5 तारीख की आपकी ड्यू डेट थी, अभी देखिए आपका पेमेंट नहीं हुआ है सर। मैं जान सकता हूँ क्या दिक्कत आ रही है?
क्या करोगे जान के, दिक्कत सॉल्व कर दोगे क्या बोल रहे हो? नहीं सर, हेल्प नहीं करूंगा, बट मैं आपको ये बताऊंगा कि अभी आपको ऑन कॉल पे पेमेंट करना है सर। तो ये बताऊंगा तो 5 तारीख का ड्यू डेट है, 22 तारीख हो गई है। नहीं जब ये बताना है, जब ये बताना ही है तो ये तो दिक्कत मुझे बिना भी बताया जा सकता है। दिक्कत पूछने के बाद कुछ स्पेशल बोलोगे? हाँ क्या ठीक है सर जी, बट आपको पेमेंट अभी करना होगा, किसी और के साथ करना, कलेक्शन की खेलम खाली, मैं नहीं कर रहा पेमेंट। देखिए डेली बेसिस पे आपको चार्जेस लग रहे हैं, 5 तारीख को आपको 350 का चार्जेस लगे, उसमें पैनल प्लस बाउंस चार्जेस, ये 3 के चार्जेस लगते हैं आपको, जो कि अभी डेली बेसिस पे आपको अचीव हो रहे हैं। जो आपको चार्जेस लग रहा है उससे आपका ईएमआई का बर्डन बढ़ रहा है, जो कि आपका ईएमआई हो जाता है अभी 4998 रुपीज, पहले था 4722 रुपए, अभी हो गया है 4998 रुपीज। तो इससे क्या होता है, आपका जो सिबिल स्कोर है वो इम्पैक्ट होता है, इन फ्यूचर में लोन लेने में आपको दिक्कत आती है सर। मैंने क्या बताया, अभी आप ऑन कॉल पे पेमेंट करवा देते हो, किसी और को देना ज्ञान और किसी और के साथ खेलना कलेक्शन की होली, मुझे ये पेमेंट नहीं करनी, आरटीपी डाल दो, डिस्चार्ज कर दो। सर जी आप ऐसे क्यों बोल रहे हो सर जी, आरटीपी डाल दो, ऐसे बोल रहा हूँ, मन कर रहा है इसलिए बोल रहा हूँ। और क्यों सर, क्या हुआ, पेमेंट नहीं करना है आपको 4722 रुपया? यार होता तो आरटीपी का मतलब यही है, बाकी जो तुम समझो सर, किसी से उधारी ले लीजिए ना सर जी, आरटीपी छोड़िए, आप किसी से उधारी ले सकते हो सर जी, आपका फ्रेंड हो गया, आपका कोई फैमिली में रिलेटिव हो गए, उनसे उधारी ले लीजिए। तो ये ज्ञान का खोदा कह रहा है कि सर आप अपने रिलेटिव या फ्रेंड्स या किसी न किसी पर्सन जिसको आप जानते हैं उससे लोन ले लीजिए, यानी उधार ले लीजिए और दे दीजिए, मतलब एक लोन को देने के लिए दूसरा लोन लो, एक उधारी को ख़त्म करने के लिए दूसरी उधारी। तो ये ज्ञान का खोदा ये नहीं जानता कि भाई जब सामने वाले पर्सन के पास क्रेडिट कार्ड है, वो जॉब कर रहा है, उसे सिविल का भी पता है कि भाई सिविल डाउन अप होता है, कैसे होता है, पेमेंट ना करो डाउन हो जाता है, करो तो अप होता है, मतलब सही रहता है। तो ये लोग इतना दिमाग नहीं लगाते, इतना सेंस नहीं लगाते, वो बच्चों वाली बातें करते हैं जैसे दूसरी क्लास का बच्चा करता हो, इतना सेंस ये लोग नहीं लगाते कि सामने वाला कस्टमर का नहीं दे पा रहा तो उसने कहीं ना कहीं ट्राई कर लिया है, रिलेटिव रिश्तेदारी में वो हार चुका है या कोई देने को तैयार नहीं है, हर तरफ से उसकी आशाएँ टूट गई हैं, तब जाके वो कह रहा है कि भाई मैं पेमेंट नहीं दे सकता। लेकिन ये ज्ञान का खोदा हमें नया ज्ञान दे रहा है कि आप अरेंजमेंट करके दो, इसने कुछ नया तो नहीं बताया। और ऊपर से इन लोगों को कोई मतलब नहीं होता भाई, इन लोगों को तुम लोन लेके दो, किडनी बेच के दो, कोई मतलब नहीं है, बस इनका पैसा दो। तुम मन जाओ दोस्त मेरे। सर जी हम कैसे मंगवाएं सर जी, हम कॉल के पेमेंट के रिगार्डिंग, आपका सिर्फ ईएमआई कलेक्ट करने के लिए कह रहा, तुम दोस्त बन जाओ मेरे। क्या बोल रहे हो, तुम दोस्त बन जाओ मेरे। मैं हां बन जाओ ऐसा नहीं सर जी, देखिए आपको ये कॉल सिर्फ पेमेंट के रिगार्डिंग, इन पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए रिगार्डिंग नहीं है सर, ठीक है? जान क्यों फैल रहे हो, कहीं ना कहीं से उधारी लेके 4722 रुपए ईएमआई भर दीजिए, मतलब मैं कहीं और से उधारी लेके ऊपर बढ़ा लो, भेज दो अपनी पूरी देर, ज्ञान मत फैलो, यहाँ से आईटीपी डालो, निकलो। एक मिनट रुकिए, मेरे सीनियर से बात कर लीजिए सर जी। अरे उसके बाद मत कराओ, वो गेंडू और दिमाग खराब करेगा। नहीं सर जी आप आरटीपी बोल रहे, इसलिए आप सीनियर से बात कर लीजिए हमारे। एक मिनट सर लीजिए, बात करिए। कहाँ मर गया क्या सीनियर, तो बोल भी दे भाई कहाँ चला गया। हाँ सर जी ये लीजिए, बात करिए हमारे सीनियर, थोड़ा बिजी थे, ये लीजिए बात करिए। आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक, एनबीएफसी और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।